तो शीट नंबर 53 में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर लेवल के लिए। कुछ नहीं करना, आपको करंट देगा, बैटरी देगा, रेजिस्टेंसेस देगा, और करंट हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर मूव करता है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है वी ए ए और बी का। तो ये वी ए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आई इन टू आर, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो -3, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं -1 इंटू टू इक्वल टू वी बी। किया था हमने ऐसा, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिलामेंट बल्ब, एक बल्ब है 500 वॉट का और 100 वोल्ट पे चलता है, इज टू बी यूज्ड इन 230 वोल्ट मेन सप्लाई, 230 वोल्ट की मेन सप्लाई है, और रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है इन सीरीज, एंड बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चलने का मतलब इसको 100 चाहिए, ये तो अपना 100 ले गया। बढ़िया चलने का मतलब ये है, चल तो वैसे भी जाता, इसको अगर 50 वोल्ट मिलते। उसने कहा 100 वोल्ट चाहिए, क्योंकि सीरीज में जाके ना वोल्ट प्रॉपर मिलते नहीं है, डिवाइड हो जाते हैं, पर ये कह रहा है बढ़िया काम कर रहा है, इसका मतलब 230 में ये तो अपना 100 ले गया, तो इसको कितना मिला 130। आपको आर निकालना है, पावर पता है, वी पता है, तो करंट आ गया, वो करंट इसके अंदर भी जाएगा, तो ओम लॉ लगाएंगे, वी इज इक्वल टू आई आर से आर आ गया। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इस टाइम? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस डायग्राम में व्हेन करंट रीचेज द स्टेडी स्टेट, चलो करंट यानी कि स्टेडी स्टेट है, तो कैपेसिटर फुली चार्ज है, तो कैपेसिटर वाली वायर में तो कोई करंट जाएगा नहीं, पर हाँ कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है, चार्ज निकालना है। अब करंट तो जाएगा नहीं, करंट कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो कितना जाएगा, E इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R2। क्लियर है? तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I, I क्या है, E डिवाइडेड बाय R प्लस R2 इनटू रेजिस्टेंस R2। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो नीचे है वही कहां डेवलप होगा, ऊपर, पैरेलल है। अब ये बच्चा सोचता है कि अगर ये इतने वोल्ट है तो इनमें डिवाइड होगा सीरीज में, नहीं डिवाइड नहीं होगा, रेजिस्टेंस R1 कहेगा देखो ऐसा है मेरे अंदर तो करंट ही नहीं है, तो मैं तो कुछ लूंगा नहीं, स्टोर में कुछ कर सकता नहीं हूं, तो मेरा वी तो छोड़ दो, मैं तो लूंगा ही नहीं, सारा वी कौन ले गया, ये ले गया, तो वी कितना हो गया, सेम वी इसको मिल गया। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी वी, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है यहां तक? तो कैपेसिटर के साथ वाला रेजिस्टेंस में, क्योंकि करंट नहीं तो वी में कोई कंट्रीब्यूशन करने वाला नहीं है, तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस कौन ले गया, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का पहले पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, फिर वहां से सॉल्व करके चार्ज की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक?